किचन विद कावेरी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कुछ चटपटा बनाने जा रही हूँ। ये मेरे पास कुछ इडली बची हुई है, इसे हम इस तरह कट कर लेते हैं। इडली के पीसेस बना लूंगी मैं। ये चाकू से भी कर सकते हैं, मुझे इजी पड़ता है, इसके लिए मैं कैंची से कर रही हूँ। मैंने सारी इडलियाँ कट कर ली है, बहुत पतले पतले पीसेस मैंने कट किए हैं। अभी मैं कढ़ाई रखूंगी, उसके अंदर तेल डालूंगी और हम इसको उसके इडली को फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो चुका है, मैं सारी कट पीसेस, सारे नहीं जितने बैठेंगे उतने पीसेस डाल रही हूँ। इसको हम ऐसे ही धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। जब भी कोई कभी अगर जल्दी जल्दी चटपटा खाने का दिल हो तो ऐसा ही कुछ तो भी सोर्स निकाले और कर ले। ये मैंने सुबह इडली बनाया था, अभी 4 बजे सबको भूख लगी है, तो ये इडली मैंने इस तरह का करने का सोच लिया और कर रही हूँ। ये देखिए ब्राउन कलर हो गया है इडली का, तो इसे हम निकाल लेते हैं। हमने पूरी इडली पीसेस फ्राई कर लिए है, देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसे मैंने जो इडली के लिए चटनी बनाई थी वो ली है, और टमाटो सॉस लिया है। इस किसके साथ अच्छा लगेगा और मैं आपको बताती हूँ। ये देखो कैसा आवाज आ रहा है, बहुत क्रंची हो चुका है ये। ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये रेसिपी मेरा पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।